कहते हैं राजनीति जो करवा दे सो कम है, ऐसा ही एक नजारा ग्वालियर में देखने को मिला, जहां कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने से उम्र में 3 साल छोटे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को साष्टांग दंडवत करते नजर आए। हालांकि सिंधिया ने ऐसा करने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह को कोई खास तवज्जो नहीं दिया। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो हमेशा की तरह कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। इस बीच भीड़ में नारंगी कुर्ता पहने एक शख्स आता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चरण वंदना करता है। गौर से देखें, ये शख्स कोई और नहीं कमलनाथ सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। हालांकि भीड़ में राजशाही ठसक वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को ज्यादा भाव नहीं दिया और वो आगे बढ़ लिए। लेकिन ये दृश्य बताते हैं कि कांग्रेस की राजनीति इसी साष्टांग दंडवत के पैटर्न पर चल रही है। वरना क्या एक मंत्री को किसी अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति की इस कदर चरण वंदना की जरूरत है? उम्र के लिहाज से देखें तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से ठीक 3 साल बड़े हैं। ऐसे में यह दृश्य कांग्रेस की भीतर की राजनीति को बयां करने के लिए पर्याप्त है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह इतने सम्मान से तो कभी मुख्यमंत्री को भी साष्टांग दंडवत करते नजर नहीं आए। मंत्री द्वारा सिंधिया की चरण वंदना के बाद बात सिंधिया की। अयोध्या मसले पर सिंधिया ने कहा कि अब राजनीति समाप्त, अमन चैन और आपसी सद्भाव कायम है, अब प्रगति और विकास के मुद्दे पर काम होगा। पीसीसी चीफ के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं जनसेवा और सेवा भाव के लिए काम करता हूं, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति समाप्त, देश के हित, देश में अमन चैन, देश में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण सदैव हो, ये हर भारतीय की कामना है। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है उसका हम लोग सभी को सम्मान करना चाहिए, उसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। और इसी के साथ मैं मानता हूँ कि अब देश के जो अहम मुद्दे हैं प्रगति के, विकास के, उस पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।